वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, थैंक यू बेटा. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है. ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो आएंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब यहाँ सिंपल और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी चेंजेज होंगी आगे चल करके. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसे मैं आपको डील करूंगा. डिटेल डिस्कशन के लिए आपको लिंक में वीडियो दे दी जाएंगी, उस पर आप डिटेल में देख सकते हो. तो ये पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक सीगमेंट हुआ. और दूसरा सीगमेंट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड. इसमें हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है और सुपर प्रॉफिट बेसिस पे हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन और वैल्यूएशन करते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन योर क्वेश्चन. सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कौन सा हुआ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड जो मेथड आपका आता है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो बातें होती हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. इसके अलावा भी एक और मेथड है जो कि मोस्ट कॉमनली फाउंडेशन के स्टूडेंट से, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से पूछी जाती है ये, और वो है एन्यूटी मेथड. तो एन्यूटी मेथड में भी दो है, एन्यूटी मेथड में भी दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आपको पहले तो कैलकुलेट करने आना चाहिए और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट को उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर या तो सुपर प्रॉफिट. तो दोनों में से कोई भी बेस पे आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं. तो बेसिकली बात आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड कितने हैं. बहुत ही समराइज्ड वे में आप इसको समझ लीजिए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एन्यूटी, ये चार मेथड्स हो गए. आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. और इसकी डिटेल कैलकुलेशन और इसकी डिटेल प्रैक्टिस आपको करनी होगी तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जाएंगे और आप वो डिटेल वीडियो जरूर देख लेना. थैंक यू बेटा. थैंक यू सर.